जमानतवाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर निकलने पर केजरीवाल ने कहा 100 गुना बढ़ गई है मेरी ताकत। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न, वहीं बीजेपी ने की मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग, कहा सशर्त जमानत है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं मिल गई। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर फैसले के दौरान जस्टिस भुइया ने सीबीआई को पिंजरे के तोते की छवि से बाहर रहने की दी नसीहत। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना तो बीजेपी ने कहा कांग्रेस के समय का तोता अब बाज बन गया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के बाद मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल मच गया है। हिमाचल के सीएम बोले अवैध निर्माण पर होगा एक्शन, लोग शांति बनाए रखें। चुनावी मैदान में उत्तरी पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, बोली बीजेपी ने 370 हटाकर इज्जत छीनी। बीजेपी का पलटवार, कहा हार के डर से हताश है इल्तजा। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवदीप सिंह से कैप पहनने के लिए जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री, खिलाड़ियों ने पीएम का मतलब बताया परम मित्र। गुजरात के गांधीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 2 लापता हैं, उनकी तलाश में राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, बुलडोजर चलाने पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है। दिल्ली में गैंग वॉर में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, शूटआउट में तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का हाथ, 6 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की भी चेतावनी दे दी गई है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।